हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? सभी की तबीयत ठीक है? सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, और अगर किसी को भी कोरोना हो गया है तो वो बहुत रेस्ट करे, क्योंकि इसमें रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप रेस्ट करेंगे तभी आप रिकवर कर पाएंगे अच्छे से। ओके, तो रेस्ट करिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, कौन सी हमने मोटर डिस्कस की थी? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, इंडक्शन मोटर। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं परमानेंट स्टार्ट कैपेसिटर मोटर। ठीक है, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। ओके, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। ओके, तो इसमें क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है हमारा कि परमानेंट कैपेसिटर क्या होगा, कनेक्ट होगा, एक ही कैपेसिटर होगा जो कि परमानेंट। जैसे अपन ने कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में पढ़ा था, दो कैपेसिटर थे, एक स्टार्टिंग के टाइम लगा था और एक क्या था, जो रनिंग कंडीशन मतलब हमेशा लगा हुआ था। ठीक है, बट परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर में क्या करते हैं, एक ही कैपेसिटर यूज करते हैं जो कि परमानेंटली क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है वो भी क्या होती है, परमानेंटली कनेक्ट रहती है, उसको हम रिमूव नहीं करते। सारे में क्या कर रहे थे, हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज कर रहे थे, तो जब मशीन 75% to 80% स्पीड अचीव कर ले रही थी तो हम उस स्विच को क्या कर रहे थे, ऑपरेट करा दे रहे थे, ओपन हो जा रहा था, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग थी वो हमारी क्या कर रही थी, हट जा रही थी, वो केबल से मेन वाइंडिंग पे रन कर रहा था। बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग जिसको बोलते हैं, वो हमेशा कनेक्ट रहती है ओवरऑल। ठीक है, शुरू से लेके लास्ट तक वो क्या रहती है, हमारी कनेक्ट रहती है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनेगा हमारा। क्या होगा इसमें, दो वाइंडिंग, एक हो गई मेन वाइंडिंग आर एम एक्स एम, यहां से आर ए एक्स ए, और एक ये हमारा कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे। ओके, ये जो कैपेसिटर है वो परमानेंटली कनेक्ट, तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहे थे वो अब हम हटा देंगे, उसकी जरूरत नहीं है। ओके, आई एम ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है एंड दिस इज मेन वाइंडिंग। ओके, तो क्या है, ये रोटर है, तो कंस्ट्रक्शन सेम, रोटर जो होगा वो कैसा वर्क करेगा, एज अ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तरह, रोटर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करेगा। स्टेटर जो है इसमें दो वाइंडिंग होगी, मेन प्लस ऑक्सिलरी। ओके, और प्लस एक हमारा कैपेसिटर होगा जो परमानेंटली कनेक्ट होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो अपन पहले यूज कर रहे थे वो अब यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ओके, तो इसमें दो वाइंडिंग है हमारी, ये कैसा बन जाएगा, टू फेज मोटर बन जाएगा, क्योंकि दो करंट आ गए हैं, एक है आई ए एंड आई एम। पहले केवल एक ही करंट था आई एम, तो सिंगल फेज थी, तो हमारा क्या था, डबल फेज रिवॉल्विंग थ्योरी लग रही थी, दो फोर्स डेवलप्ड हो रहे थे, टॉर्क एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, दोनों की वैल्यू सेम थी, दोनों ऑपोजिट थे, तो नेट टॉर्क जो था स्टार्टिंग में जीरो हो जा रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, आई ए और आई एम ये टू फेज मोटर बन गई है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है, तो एक परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी और मोटर क्या करेगी, रन करने लगेगी। ओके, तो अगर अपन इसका फेजर डायग्राम देखें तो कैसा बनना चाहिए, ये वी आई एम कुछ एंगल से लैग करेगा और आई ए लीड करेगा, एंगल क्या होगा इनके बीच में, 90 डिग्री, ये हो गया फाइव ए एंड दिस इज फाइव एम, तो फाइव ए प्लस फाइव इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं, ये कैपेसिटर जो है वो परमानेंटली कनेक्ट है हमारा। ठीक है, ये कैपेसिटर हमारा परमानेंटली कनेक्टेड है, तो जब हमें परमानेंटली रन कैपेसिटर यूज, मतलब परमानेंटली कैपेसिटर है, रन कैपेसिटर यूज करना है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का यूज वहां करते हैं जहाँ पे हाई वोल्ट एम्पीयर रेटिंग चाहिए होता है, जहाँ पे अपन को थोड़ी देर के लिए यूज करते हैं, ये हमारा परमानेंटली कनेक्टेड है, हमारा रन कैपेसिटर है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर यूज करते हैं वो क्या करते हैं, ऑयल फिल्ड पेपर कैपेसिटर, हमने लास्ट उसमें भी बताया था आपको, तो ऑयल फिल्ड पेपर कैपेसिटर जो होती है, इसकी जो साइज होती है वो क्या होती है,
लार्ज होती है, बड़ी होती है हमारी, और कॉस्ट भी जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है। तो ये दोनों इसके क्या है, डिसएडवांटेज है हमारे, ठीक है, कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है वो परमानेंटली कनेक्टेड है। तो जो कैपेसिटर यूज करते हैं वो कौन से यूज करते हैं, वाइल फिल्ड पेपर कैपेसिटर यूज करते हैं, जिस कारण से इसकी साइज और कॉस्ट जो है दोनों क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, इसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन को हमने बोला था टू वॉल्व कैपेसिटर मेथड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मेथड, सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मेथड, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल एक ही कैपेसिटर यूज कर रहे हैं जो कि परमानेंटली कनेक्ट है हमारा। तो उसके कंपैरिजन में देखेंगे हम कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर वन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, लेस होता है, स्टार्टिंग टॉर्क इज लेस एज कंपेयर टू कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ये दोनों जो मोटर है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन और परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, इन दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, जब भी करते हैं, और स्प्लिट सीरीज इंडक्शन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, उन दोनों को कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अब इसमें एडवांटेजेस क्या क्या है हमारा, सबसे पहला एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट, नो सेंट्रीफ्यूगल स्विच, कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा है तो उसका कॉस्ट हमारा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो कॉस्ट इज रिड्यूस, इसके कारण कॉस्ट रिड्यूस हुआ है हमारा, ठीक है। बट वैसे अपन क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर यूज कर रहे हैं जो रन कैपेसिटर, तो कॉस्ट हाई होता है, तो ओवरऑल जो कॉस्ट होता है वो तो क्या होता है, हाई होता है, तो ये इसका एडवांटेज नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच हमें यूज नहीं करते, इफिशियंसी क्या होती है, बढ़ जाती है, इफिशियंसी इज हाई, कैपेसिटर परमानेंटली कनेक्ट है हमारा तो क्या होता है, पावर फैक्टर इंप्रूव, कैपेसिटर हम क्यों लगाते हैं, पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए, हम बोलते हैं ना जितना अच्छा कैपेसिटर बैंक होगा उतना ज्यादा पावर होगा फैक्टर होगा, तो कैपेसिटर क्या, पावर फैक्टर क्या होता है, इंप्रूव हो जाता है हमारा, हायर पुल आउट टॉर्क, टॉर्क हाईर पुल आउट टॉर्क मतलब जो रनिंग टॉर्क होता है वो है हमारा, स्टार्टिंग टॉर्क तो कम होता है लेकिन पुल आउट टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। लेस नॉइस, नॉइस क्या होगा, कम होगा तो बट कम होगा, क्यों, क्योंकि जहां सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज करते हैं तो वहां पे सडनली क्या होता है, अपन क्या करते हैं, जैसे सडनली ब्रेक लगाते हैं, ओपन क्लोज करें, जहां पे भी स्विच ओपन क्लोज होगा तो वहां क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं और क्या होता है, नॉइस होता है, तो यहाँ पे जो नॉइस नॉइस होता है वो क्या होता है, हमारा कम होता है। ओके, अब हम इसके टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, दिस इज स्पीड एंड दिस टॉर्क। तो जब केवल मेन बाइंडिंग होगी तो क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क जीरो, ये कुछ ऐसे बनेगा एनएस, ये है जब केवल मेन बाइंडिंग है, ओके, और ये वाला हो जाएगा यहां से स्टार्टिंग में कुछ मिलेगा, ये जब मेन प्लस ऑक्सिलरी प्लस कैपेसिटर, ओके, तो जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो भी क्या होगी, यही होगी जो है, क्योंकि इसमें हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच तो लगा नहीं रहे कि हमारा जो कर्व है वो स्विच कर जाए मेन बाइंडिंग पे, तो हमेशा ये हमारा क्या रहेंगे, परमानेंटली कनेक्ट रहेंगे सर्किट में, ओके, परमानेंटली कनेक्टेड इन सर्किट। तो ये क्या हो गया सर, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। अब लास्ट हम देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन, ये कहाँ पे हमारा यूज होता है। तो एप्लीकेशन जहां पे हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होगा वहां पे हम यूज करेंगे इसका, जैसे कि हमारा यूज इन फैन ब्लोअर हीटर या कंडीशनर, इसमें क्या है, स्टार्टिंग में क्या हो रहा है हमारा टॉर्क कम है और बाद में क्या है ज्यादा है, तो दोनों जगह यूज कर सकते हैं हमारा, जहां कम स्टॉक चाहिए वहां भी और ज्यादा चाहिए वहां भी, ठीक है। तो यूज इन फैंस हो गया, ब्लोअर्स, हीटर,
एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर, ऑफिस मशीनरी एसेट। ओके, तो ये था हमारा क्या, परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर। तो ये यहाँ पे हमारे चारों टाइप की मोटर हो गए जो कि हम मेनली यूज पढ़ते हैं। सबसे पहले क्लास में अपन ने पढ़ा था स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है, वहां पे केवल दो बाइंडिंग थी, मेन और ऑक्सिलरी बाइंडिंग हमारी, ठीक है, और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहे थे हमारा। फिर अपन ने पढ़ा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, एक कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। जो स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर थी वहां पे आईएम और आईए के बीच में एग्जैक्ट 90 डिग्री फेस डिफरेंस नहीं मिल पा रहा था, कितना मिल रहा था, केवल 25-30%, जिसके कारण स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम था, एक एग्जैक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो पा रही थी, हो रही थी बट वीक हो रही थी, तो मोटर रन तो करने लगी थी बट बहुत ज्यादा उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं हो पा रही थी कि वो बहुत अच्छे से रन करे। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए अपन ने क्या पढ़ा, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, उसमें अपने कैपेसिटर यूज करने लगा, जिससे क्या हो गया, दोनों के बीच में एग्जैक्ट 90 डिग्री फेस डिफरेंस बना और एग्जैक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई और मोटर अब क्या करने लगी, अच्छे से रोटेट करने लगी। उसमें जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो हमें याद रखना है कि वो हमें कितना रखना है, कितना रखना, आर ए आर एम बाय एक्स एम प्लस एक्स ए। ओके, तो ये कैपेसिटर की वैल्यू हमें अच्छे से याद रखना है, ये पूछ लिया जाता है कि कितनी कैपेसिटर की वैल्यू हमारी होनी चाहिए। फिर अपन ने पढ़ा कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर हमारा, उसमें क्या है, एक कैपेसिटर स्टार्टिंग में लगाते हैं और एक हमारा रनिंग कंडीशन में परमानेंटली कनेक्ट रहता है। फिर अपन ने पढ़ा परमानेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, जिसमें हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग और रनिंग कैपेसिटर परमानेंटली कनेक्ट रहता है सर्किट में। ओके, तो ये था सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के सारे टाइप्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।